हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मुझे पता है मैं इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हूँ, इसलिए पार्ट थर्ड है परमानेंट बट प्लेन्स क्रिएट परमानेंट टीम। और मुझे माफ़ कर देना कि इस पार्ट को लाने में मुझे 2 हफ्ते लगे, क्योंकि घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए इस पार्ट को लाने में मुझे मुश्किल हो गई। तो चलो, हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो पायन होता है, वो उसे बर्डमैन एक परमानेंट बना देते हैं, लेकिन परमानेंट टीम बनने के बाद 1 साल हो चुका होता है, तब बर्डमैन जो होते हैं वो देखते हैं कि सब परमानेंट का रिकॉर्ड, उसमें वो चेक करते हैं कि ये न्यूमिसो जो होता है वो बहुत ईमानदारी से अपनी परमानेंट टीम का संभालता है और अपने पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर वो बर्डमैन देखते हैं, वो चेक करते हैं किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। जब वो चेक करते हैं तब वो देखते हैं मित्सु की पावर अनलिमिटेड है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि मित्सु की पावर अनलिमिटेड होने के कारण बर्डमैन को अपनी एक थ्योरी याद आती है। उस थ्योरी में बताया जाता है कि जो एक लड़का होगा जो बर्ड प्लैनेट को और यूनिवर्स को बचाएगा इनके आने वाले विलेनों से। जो विलेंस एलियंस जो होते हैं, विलेन मतलब एलियंस जो होते हैं वो बर्ड प्लैनेट और बाकी यूनिवर्स को कब्जा करके ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जो एक यूनिवर्सल हीरो जो होगा वो आएगा और बनेगा, और वही हमारे बर्ड प्लैनेट और यूनिवर्स को बचाएगा। तो जो बर्डमैन होते हैं वो सोचते हैं कि काश ये मित्सु ही तो नहीं। तो इसके बाद देखते हैं कि मित्सु को अपनी डिस्क में देखते हैं। मित्सु अपने घर पर लेटा होता है, तभी वहाँ पर बर्डमैन जाते हैं अर्थ पे और सब परमैंस को अपने पास बुलाते हैं और तब कहते हैं तुम लोग अपने काम बहुत बखूबी निभा रहे हो, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो लेट आता है, लेकिन मित्सु के लेट आने पर बर्डमैन उसे डांटते हैं, कहते तुम लेट क्यों आए हो, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिर यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि तुम लोग अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वॉइस चेंजर दे रहा हूँ, जिससे कि तुम इस वॉइस का इस्तेमाल जब भी बर्डमैन बनोगे तो वॉइस चेंजर लगा लेना, क्योंकि पता नहीं आगे चल के कौन तुम्हारी आवाज़ पहचान जाए और तुम्हें बस पकड़ ले कि तुम ही परमानेंट बने हो, इसलिए मैं तुम्हें वॉइस चेंजर दे रहा हूँ। तो मित्सु जो होता है वो ले लेता है और बाकी सारे परमानेंट्स भी ले लेते हैं। तो इसके बाद जो मित्सु होता है वो अपने वहाँ घर पर जा रहा होता है, तभी बर्डमैन उसे रोकते हैं और कहते हैं मित्सु तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुकना। लेकिन तब तक सारे परमानेंट्स चले जाते हैं, जैसे कि पायन, बूबीर, सुमेरे जो पाको होती है वो चली जाती है। तो हम देखते हैं तो बर्डमैन होते हैं वो मित्सु को रोकते हैं और उसे एक बात बताते हैं कि तुम्हें यहाँ से मैं कुछ 1-5 साल बाद बर्ड प्लैनेट ले जाऊँगा, तुम तैयार रहना, और जब तक मैं तुम्हें बर्ड प्लैनेट पर ट्रेनिंग दूंगा और अपना बर्डमैन बनने की नेक्स्ट, इसलिए तुम तैयार रहना। तो जो बर्डमैन होते हैं वहाँ से ये कह के चले जाते हैं। तो मित्सु सोच में पड़ जाता है कि मैं 5 साल बाद यहाँ से चला जाऊँगा और फिर यहाँ पर किसी से भी नहीं मिलूँगा, खासकर पाको से, इसलिए फिर वो वहाँ से चला जाता है। पहले वो घर जाता है, अपने रोबोट से हेड टू हेड टच करता है, जिससे कि रोबोट को सब कुछ पता चल जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि रोबोट मित्सु से कहता है तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा, लेकिन अभी तो तुम 5 साल के लिए यहाँ पर हो ना, तो चलो 5 साल तक हम यहाँ पर एक संग काम करते हैं। तो मित्सु होता है वो अपना काम बखूबी निभाता है। धीरे धीरे वहाँ पे 2 साल बीत चुके होते हैं, तो बर्डमैन देखते हैं और बर्डमैन वापस भी आते हैं अर्थ पे। फिर वो कहते हैं मित्सु तुम तैयार हो ना, मित्सु कहता है मैं तैयार हूँ, पर एक तभी मित्सु अटक जाता है। तो बर्डमैन कहता है क्या, पर तुम मुझे बताओगे? तो बर्डमैन होता है वो कुछ नहीं बोलता, तो वो बात पलट देता है, कहता है कि कुछ नहीं बर्डमैन, वो ये है कि मैं थोड़ा काम में सोने लगता हूँ, नींद आती है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा कर नहीं पाता हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा काम थोड़ा कम कर दिया जाता है, तुम थोड़ा ज़्यादा आराम करना क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है बर्ड प्लैनेट पर। तो मित्सु को वो
यही कह देते हैं। तो मित्सु अपना काम ऐसे ही करता है, तो मित्सु अपना काम अच्छी तरीके से करता है। वहीं पर पाको जो होती है वो देखती है कि मित्सु अपना काम बखूबी कर रहे हैं और वो आजकल उदास भी रहने लगा है। मगर क्यों, तो पाको जो होती है वो मित्सु का पीछा करने लग जाती है। उसे फिर दिखाई देता है कि मित्सु आजकल उदास क्यों रहने लगा, लेकिन वो उसे पता नहीं चल पाता। तो मित्सु कुछ छोड़ के फिर वो उसके रोबोट के पास जाती है। रोबोट उसका एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब वो परमानेंट बन जाता है तो अपना रोबोट एक्टिव कर देता है और चला जाता है। तभी पाको जो होती है वो पहले से ही उसके घर के पास खड़ी रहती है। फिर वो अपने उस रोबोट के पास जाती है और रोबोट सो रहा होता है, तो वो अपना हेड टू हेड टच करके सब पता लगा लेती है कि क्या हुआ है। तो वो दुखी हो जाती है क्योंकि तीन सालों में जो परमानेंट होता है वो पाको को इतना ख्याल रखता है कि पाको खुद को रोक नहीं पाती है। लेकिन फिर पाको सोचती है कि मैंने अभी इसे बता दिया तो ये कभी भी वर्ल्ड प्लेट नहीं जा पाएगा। लेकिन आपको इसकी आगे की कहानी बताएंगे जल्दी ही। तो हम देखते हैं कि पाको ये सब सोच लेती है। फिर उसके बाद पाको कुछ नहीं कहती, वो अपना सारा वक्त मित्सु के साथ ही बिताती है। और जो मित्सु होता है वो भी अपना सारा वक्त पाको के साथ ही बिताता है। और वो फिर जो मित्सु होता है वो पाको के साथ बैठा रहता है एक जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा सनसेट हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर पायन की कॉल आती है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है, यहाँ पर बहुत सारी कार एक दूसरे से टकरा चुकी हैं और यहाँ पर ट्रेन भी आने वाली है। तभी वहाँ पर परमानेंट होता है, वो ना परमानेंट कुछ नहीं सोचता, वो पाको का हाथ पकड़ता है, फुल स्पीड से चला जाता है और वहाँ पर तुरंत पहुँचते ही पहले वो कारों को सेट करता है और परमानेंट की तरह से रेलवे थोड़ा मुड़ चुका होता है उसे सही कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं पाको से रोक ली होती है, लेकिन परमानेंट कुछ नहीं सुनता क्योंकि उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि पाको से आवाज़ लगा रही है, और वो चला जाता है। और पायन वहीं पर रुक कर देखता है, पर पायन कहता है पाको तुम उसे रोक लेते हो, रुको सुनने। तो पायन कहता है शायद उसका ध्यान नहीं होगा इसलिए शायद वो रुका नहीं। बूवी कहता है बूवी कहता है कि हाँ उसका ध्यान नहीं होगा इसलिए शायद वो नहीं रुका। तभी जो परमानेंट होता है वो अपने घर पहुँच चुका होता है। तो हम देखते हैं परमानेंट अपने रोबोट के संग सारी चीज़ें बताता है, हेड टू हेड टच करता है, रोबोट को सब दिखाई भी दी जाता है। लेकिन यहीं पर सीन कट होता है, तो जो पाको होती है वो वहाँ से चली आती है और पायन और बूवी भी अपने अपने घर चली आते हैं। पाको होती है वो अपने घर जाकर रोबोट को सब कुछ बताती है। तो रोबोट कहती है तुम्हें उसके संग अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि तुम रहोगे तो तभी तो उसे हिम्मत मिलेगी। इस ये बात सुनकर तो पाको होती है वो खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब यही, पाको कहती है यही सही। फिर वो उसके संग सारा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। यही एक साल और बीत जाता है। तो पाको और जो मित्सु का प्यार होता है वो आगे इतना बढ़ चुका होता है कि पूछो ही मत, लेकिन वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। यहीं पर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो आगे का पार्ट अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो गुड बाय, सायोनारा। तो आपने चलो एक मिनट रुको, को मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जो भी स्टोरी पसंद हो आप चाहो तो मुझे फेसबुक पर कमेंट कर सकते हो। मैं अभी जल्दी ही अपने फेसबुक